लेते इस बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सुबह 10:20 पर स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण शुरू किया जाएगा। बता दें अब से थोड़ी देर में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सुबह 11:45 पर गुजरात के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 1 के बाद अहमदाबाद में स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। शाम 4:30 के आसपास मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी और इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, कई अहम प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, सुबह 10:20 पर पौधारोपण की शुरुआत होगी, सुबह 10:45 पर परियोजना की इकाई रखी जाएगी, वही सुबह 11:40 पर कई कार्यक्रम हैं ऐसे जिसमें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान गुजरात के दौरे पर भी रहेंगे और ऐसे में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान गांधीनगर जाने वाले हैं और भूपेंद्र पटेल की शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। तो ऐसे में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 1 बाद अहमदाबाद में स्थानीय कार्यक्रम है, उसमें भी शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वहीं शाम को करीब 5 के आसपास मंत्रालय में कैबिनेट बैठक है और उसमें भी शिरकत करेंगे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, कई अहम प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें शिरकत करने वाले हैं। शाम को मंत्रालय की कैबिनेट बैठक है, उसमें भी शिरकत करेंगे। इसका पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जुड़ चुके हैं फोनो लाइन पर। ब्रिजेश, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, कौन कौन से वो तमाम कार्यक्रम होंगे? ब्रिजेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से हम ब्रिजेश से नहीं जुड़ पाए, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 1 के बाद आज अहमदाबाद में स्थानीय कार्यक्रम होगा, उसमें भी सीएम शिरकत करेंगे और वही शाम को करीब 5 के आसपास मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक है और ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। चुनाव से पहले इस बैठक में रणनीति बनाई जा सकती है, ब्लू प्रिंट रेडी किया जा सकता है, तो कई मायनों में कैबिनेट की बैठक खास मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि 11:45 के आसपास सीएम शिवराज सिंह चौहान गुजरात के लिए रवाना होंगे और वहां पर आज भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे और फिर शाम को वो गांधीनगर से वापस लौटेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक है और ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। और इस दौरान इकाई का प्रयोजन, आपको बता दें कि गुजरात के लिए 11:45 पर रवाना होंगे, उसके बाद 1 के आसपास स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, फिर शाम को कैबिनेट की बैठक है, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है और इस दौरान कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगा। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण की शुरुआत होगी और उसके बाद 10:45 के आसपास परियोजना की इकाई का शुभारंभ होगा। इसका पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आज कौन से वो तमाम कार्यक्रम होंगे जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की काफी व्यस्तताएं आज प्रारंभ है और 10:30 स्मार्ट सिटी में पौधारोपण मुख्यमंत्री करेंगे। इसके बाद 11:15 मंत्रालय से औद्योगिक क्षेत्र जो भोपाल के पास अचारपुरा है उसमें गारमेंट क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाओं की इकाई का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके बाद वे अहमदाबाद गुजरात के लिए जाएंगे और वहां पर जो नए सीएम है उनके शपथ ग्रहण समारोह में 1 शामिल होंगे। इसके बाद वो 4:30 भोपाल वापस आएंगे और उसके बाद 4:30 कैबिनेट की बैठक एक मंत्रालय में आयोजित की गई है जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तरंदम तो शाम को 6 काफी अहम बैठक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की रखी गई है और जिला स्तरीय, विकास खंड स्तरीय, वार्ड स्तरीय और ग्राम स्तरीय जो क्राइसिस कमेटियां हैं उनको संबोधित मुख्यमंत्री वर्चुअली करेंगे क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाने वाली है और 30 तक 100% पहला डोज आबादी को लग जाए उसके टारगेट के लिए मुख्यमंत्री आज तमाम कमेटियों से बातचीत करेंगे।
ठीक ब्रिजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।